हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आज हम बात करेंगे प्रॉब्लम नंबर 9.2 की, जो रे ऑप्टिक्स के जो अनसॉल्व टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस है उसमें से सेकंड क्वेश्चन है। इसमें हमें दिया गया है कि एक कॉन्वेक्स मिरर है और कॉन्वेक्स मिरर में जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो बाहर होता है, और यहाँ पे अगर आप सर्कल कंप्लीट करो तो सी और एफ आप ऐसे बना सकते हैं। सर्कल का जो सेंटर होता है वो सी होता है, सी और पी का जो मिड पॉइंट है वो एफ है। यहाँ पे हमें दिया गया है कि एक ये जो कॉन्वेक्स मिरर है उसकी जो फोकल लेंथ है वो 15 सेंटीमीटर है। हम जानते हैं कि फोकल लेंथ कॉन्वेक्स मिरर की पॉजिटिव होती है, और ऑब्जेक्ट जो है वो हमने 12 सेंटीमीटर्स पे रखा है, मतलब यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट रखेंगे। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट आपको दिया गया है 4.5 सेंटीमीटर्स। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है, इसका मतलब ये हाइट हम पॉजिटिव लेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे हाइट नेगेटिव ली जाती है, और ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है यू वो आएगा -12 सेंटीमीटर्स। क्यों? क्योंकि इंसिडेंट रे ऐसे निकलेगी, सारे डिस्टेंसेस पोल से मेजर करने होते हैं, तो पोल से अगर जब आप ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऐसे मेजर करोगे, इसका मतलब आप इंसिडेंट रे के ऑपोजिट जा रहे हो, तो जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो -12 सेंटीमीटर्स होगा। और यहां से जब आप इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में आप फोकल लेंथ मेजर कर रहे हो, इसलिए एफ पॉजिटिव है। अब वन अपॉन एफ इज इक्वल टू वन अपॉन वी प्लस वन अपॉन यू, ये फॉर्मूला मिरर फॉर्मूला है जिसमें हम एफ और यू हमें दिया गया है, तो वी इजीली निकल जाएगा। बट उसके पहले ही हम जानते हैं ऑब्जेक्ट को आप कहीं भी रखिए, इमेज हमेशा एफ और पी के बीच में बनती है और वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है। इसका मतलब है कि यहाँ ये जो एच आई आएगा वो पॉजिटिव आएगा और 4.5 से कम आएगा। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ही आपको रे डायग्राम से इतना समझ जाना है कि जो एच आई की जो वैल्यू है वो आपकी 4.5 से कम होनी चाहिए, +4.5 से। और जैसे कि इमेज इरेक्ट होती है तो एच आई भी पॉजिटिव होगा। दूसरी बात, ये जो इमेज बनेगी, ये इमेज डिस्टेंस वी है, तो इमेज डिस्टेंस वी आपका फोकल लेंथ से कम आएगा, इसका मतलब इट वुड बी लेस देन +15 सेंटीमीटर, क्योंकि इमेज हमेशा पी और एफ के बीच में बनेगी। तो आइए दोस्तों, हम निकालते हैं एफ की वैल्यू यहां से। तो वन अपॉन +15 दैट इज इक्वल टू वन अपॉन वी प्लस वन अपॉन -12, इसको हम इस साइड ले जा रहे हैं, तो वन अपॉन 15 प्लस वन अपॉन 12 इज इक्वल टू वन अपॉन बी। यहाँ पे एलसीएम आएगा 60, तो 15 फोर ज़ा 60 और 12 फाइव ज़ा 60, मतलब ये जो आंसर आपका आ रहा है वन अपॉन बी, ये आंसर आपका आएगा 9/60। इसको आप रिड्यूस करोगे तो ये 3/20 आ जाएगा, इसका मतलब जो वी की जो वैल्यू है वो आएगी 20/3 सेंटीमीटर्स। तो आप देख सकते हैं कि आपका जो आंसर आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है। मैं आंसर को हाईलाइट कर रहा हूँ यहाँ पे, ये जो आंसर आपका आया है वो पॉजिटिव आया है, इसका मतलब हम सही जा रहे हैं, जो इमेज है वो बिहाइंड द मिरर आ रही है, तभी वी पॉजिटिव आएगा। और जब वी पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब बिहाइंड द मिरर है, बिहाइंड द मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज होती है, ठीक है? तो यहां से हम क्या क्या लिख सकते हैं, वर्चुअल इरेक्ट बिहाइंड द मिरर, इतनी चीजें हमें यहां से पता चल रही है। अब हमें मैग्निफिकेशन निकालना है, तो मैग्निफिकेशन की जो वैल्यू होती है वो -V/U होती है मिरर के केस में। -V यहां पे पॉजिटिव है, इसमें हमें साइन कन्वेंशन लगाने होंगे, तो V तो पॉजिटिव है, +20/3 मल्टीप्लाई बाई यू की जो वैल्यू है, यू है -12, इसका मतलब 2 10 2 6 माइनस माइनस कट हो रहा है, 2 5 2 3 जा, तो मैग्निफिकेशन की जो वैल्यू है वो आ रही है +5/9। मैं इसको वापस हाईलाइट कर देता हूं, तो मैग्निफिकेशन अगर 1 से कम है इसका मतलब इमेज छोटी है, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है इसका मतलब हाइट प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर मेजर कर रहे हैं हम। तो हमारी सब चीजें जो है हमने पहले ही डिस्कस कर रखी है वो सही जा रहे हैं हम। अब इसमें जो इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, डिस्क्राइब व्हाट हैपन्स एज नीडल मूव्स
नीडल इज मूव्ड फार्दर फ्रॉम द मिरर, मतलब आप ये जो नीडल है ऑब्जेक्ट को इस तरीके से ले जा रहे हो। तो हम जानते हैं कि कॉनवेक्स मिरर हो या कॉनकेव मिरर हो, जब आप मिरर मिरर के क्लोज जाते हैं तो इमेज भी मिरर के क्लोज आएगी कॉनवेक्स मिरर के केस में। अगर आप इसको दूर ले जाओगे तो इमेज भी दूर जाएगी, मतलब जैसे ही आप इसको पीछे ले जाओगे ये इमेज भी पीछे हटेगी। और जब ये ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे चला जाएगा तब हमें इमेज फोकस पे मिलेगी बहुत छोटी, और उसके बाद तो आप जान ही सकते क्योंकि इन्फिनिटी से दूर कोई चीज होती नहीं है। मतलब अब ये सोचिए कि अगर आप इसको क्लोज ले जाएंगे तो इमेज पास में आएगी, जैसे ये पोल पे आ जाएगा इमेज भी पोल पे आएगी, और अगर आप इसको पीछे ले जा रहे हैं तो ये भी उससे उल्टी दिशा में जाएगी, पीछे जाएगी, और जब ये इन्फिनिटी पे जाएगा तब आपको फाइनली इमेज फोकस पे दिखाई देगी। इसका मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट जिस स्पीड से जा रहा है उससे कहीं स्लो इमेज चलती है। तो होपफुली दोस्तों आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया है, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए और मेरे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।